नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज बात बिहार के एक ऐसे कवि की जिनकी रचना और भाषा शैली की आज भी कई लोग कायल हैं। आज भी उनके द्वारा गाए गीत महिलाएं गाती हैं और बहुत ही मधुर स्वर में आज भी यह आम लोगों में खूब प्रचलित है। आज हम बात करेंगे विद्यापति के बारे में। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्पी गांव में हुआ था। इनका जन्म जिस परिवार में हुआ था वह परिवार विद्वता और ज्ञान के लिए काफी प्रसिद्ध था। उनके जन्म को लेकर कोई सार्थक प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन उनकी रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु के वर्ष का अनुमान लगाया जा सकता है। बताया जाता है कि विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और उनके सलाहकार थे। विद्यापति के बारे में बताया जाता है कि वे बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृत, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित थे। उनकी रचना संस्कृत, अवहट और मैथिली तीन भाषाओं में उपस्थित है। इसके साथ ही उन्हें कई और भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश और मुख्य आधार है। वो हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। महाकवि विद्यापति ठाकुर के पारिवारिक जीवन की कोई स्वलिखित प्रमाण तो नहीं है, किंतु मिथिला के उत्तेरगढ़ी पोथी के ज्ञात होता है कि उनके दो विवाह हुए थे। प्रथम पत्नी से नरपति और हरिपति नामक के दो पुत्र हुए थे और उनकी दूसरी पत्नी से एक पुत्र वाचस्पति ठाकुर तथा एक पुत्री का जन्म हुआ था। संभवतः महाकवि की यही पुत्री दुल्हनी नाम से जानी जाती है, जिसे मृत्यु काल में रचित एक गीत के महाकवि अमर कर गए हैं। कालांतर में विद्यापति के वंशज किसी कारणवश बिस्पी से त्याग कर सदा के लिए सौराठ गांव आकर बस गए। वर्तमान समय में महाकवि के सभी वंशज इसी गांव में निवास करते हैं। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए कि पदों की पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गई हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों के मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंध पदों में प्रकृति के मनोहर छवि रचना के अपूर्ण कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता का परिचायक है। इनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चर और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है वह अन्यंत्र दुर्बल है। उनकी प्रमुख कृतियों में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली है। विद्यापति के श्रृंगारी कवि होने के कारण बिल्कुल स्पष्ट है वे दरबारी कवि थे और उनके प्रत्येक पद पर दरबारी वातावरण की छाप दिखाई देती है। पदावली में कृष्ण के कामी स्वरूप का चित्रित किया गया है। वहीं कृष्ण जिस रूप में चित्रित हैं वह चित्रण करने का दुस्साहस कोई भक्त कभी नहीं कर सकता। उनके अलावा राधा जी की का भी चित्रण मुग्धा नायिका के रूप में किया गया है। विद्यापति वास्तव में कवि थे, उनके भक्त के समान अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने नायिका के वक्ष स्थल पर पड़ी हुई मोतियों की माला का भी वर्णन किया। उनके कवि हृदय की भावुकता एवं सौंदर्य अभिभूति की अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ आलोचका का कहना है कि विद्यापति के पदावली की रचना वैष्णव साहित्य के रूप में की थी। गीत गोविंद की भांति उनकी पदावली में राधा कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति की झांकी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपने इष्ट की उपासना सामाजिक रूप में की है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने विद्यापति के उन पदों को अधिकृत किया है जो विद्यापति ने राधा कृष्ण, गणेश, शिव आदि की वंदना में किए थे। महाकवि विद्यापति की मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कई विद्वानों और विश्वस्त अभिलेखों की मानो तो 1400 ईस्वी के बाद यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह विद्यापति के मृत्यु काल को 1447 मानते हैं। इतना स्पष्ट है कि जनश्रुतियों बताती है कि आधुनिक बेगूसराय जिले के मौवादीपुर यानी कि विद्यापति नगर के पास गंगा तट पर महाकवि ने प्राण त्याग किया था। उनकी मृत्यु के संबंध में यह पद जनसाधारण में आज भी प्रचलित है, जिसमें वो कहते हैं कि विद्यापति की आयु अवसाना
कतिक धवल त्रियो सदी जाना। हम ऐसे ही बिहार के और ही हस्तियों के बारे में रूबरू होते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।